फलदार फूलदार औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी मुंदी रोड मिश्रा पेट्रोल पंप के पास खंडवा कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में नवरात्रों को लेकर श्रद्धालुओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। खंडवा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में माता जी की प्रतिमाएं स्थापित करने का कार्य शुरू हो चुका है। ज़्यादातर पंडाल बन चुके हैं और माता जी की प्रतिमाओं को लाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं जिले का एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम बावड़िया काजी है, जहां पर माता जी की प्रतिमा बाजार से ना लाकर गाँव के किसान रमेश पटेल द्वारा मिट्टी से बनाकर गाँव वालों को दी जाती है और पूरा परिवार सहित गाँव माता जी की आराधना में लग जाता है। माता जी को स्थापित कर 9 दिन पूजा पाठ की जाती है। रमेश पटेल द्वारा पिछले 30 सालों से मिट्टी की माता जी की प्रतिमा हर रूप में बनाई जाती है। वह हर साल नई प्रतिमा बनाते हैं और पेशे से रमेश पटेल एक किसान हैं। उनकी माता जी के लिए इतनी अपार श्रद्धा है कि वह खेतीबाड़ी छोड़कर माता जी की प्रतिमा बनाने में जुट जाते हैं और उनके साथ उनका पूरा परिवार माता जी की प्रतिमा बनाने में उनका सहयोग करता है। इसी को लेकर रमेश पटेल के लिए खंडवा के ग्रामीणों में एक अलग भाव है और उनका सभी लोग इसी कारण बहुत सम्मान करते हैं। रमेश पटेल का कहना है कि ऐसा करके उन्हें अपार आनंद की अनुभूति होती है और उन्हें ऐसा लगता है कि माता रानी खुद उनसे ऐसा कराती हैं। बहरहाल आने वाले नवरात्रि पर्व को लेकर प्रत्येक श्रद्धालु माता जी का भक्त इस समय घर की साफ सफाई में भी जुट गया है और माता जी के आने का बेसब्री से इंतजार भी करता हुआ नजर आ रहा है। फलदार फूलदार औषधीय पौधे सहित अन्य हर प्रकार की पौधे की संपूर्ण विस्तृत रेंज के लिए अभी संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी मुंदी रोड मिश्रा पेट्रोल पंप के पास खंडवा कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का कार्य भी किया जाता है उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं।